अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वेजिटेबल्स के हवाले से। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं गाजर, मटर, आलू। और ये सब्ज़ी कैसे तैयार होगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज काट लिया छोटा सा और मैंने तेल डाल दिया इसमें हिसाब से, ठीक है। ये मैं ऊपर रख देती हूँ, ठीक है। तो आज के जो हमारी रेसिपी है सब्ज़ी के हवाले से है। ये मैंने मटर निकाले, ये गाजरें हैं 1 किलो, ठीक है। तो ये पाओ 1.5 पाव मटर है तकरीबन, निकल के पाओ तो दाने निकल आए ना इसके, पाओ दाने होंगे। 1/2 किलो आलू हैं, ठीक है। तो धनिया है, हरी मिर्च है। तो उसमें नमक मिर्च हम लोग किस तरह डालेंगे? हाँ जी, वो मैं हिसाब से डालूंगी 1-1 चम्मच। वो मैंने कहा मैं इधर नहीं रखा ना, मैंने कहा मैं उधर ही डाल के। अच्छा, मतलब स्पाइसेस हम लोगों ने 1-1 चम्मच शामिल करने, जो से करेंगे वो साथ साथ हम आपको दिखा देंगे। हाँ जी। तो फिलहाल हम लोगों ने जो प्याज है उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया है, तो आप लोगों को हमने एक आइडिया दे दिया। लेकिन आप लोग, हाँ जी, मैं लहसुन नहीं डाल रही इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाल रहे। तो व्यूअर्स, क्योंकि सर्दियां हैं या मौसम चेंज हो गया, तो आप लोगों को आज हम लोग जो सी सब्जियों की रेसिपी सिखा रहे हैं। तो आप सर्दियों में सब्जियां बहुत होती है ना जी, तो जी। मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। सेहत के लिए बहुत अच्छी, बिनाई के लिए गाजरों को बहुत मुफीद समझा जाता है। बहुत अच्छी बनती है इसकी भुजिया, ऐसी मैं बना के दिखाती हूँ ना आपको, तो बहुत मजे की बनती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं मजेदार सी जो सी आज हमारी गाजर आलू मटर की सब्जी है वो कैसे तैयार होगी। तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। और जो सा हम लोग अपनी आज की रेसिपी को तैयार कर रहे हैं वो है मटर, आलू, गाजर। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने प्याज ब्राउन करने हैं और फिर देखते हैं मुझे दाखिल होती रेसिपी है वो कैसे तैयार हो। जी देखिए, मैंने मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी प्याज डाल देती हैं, तो 1 चम्मच नमक का, हल्दी का। अच्छा, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा ना मैं पानी डालती हूँ। तो हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट इसके अंदर नहीं शामिल किया, बट अमूमन हम लोग बनाई के वक्त इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। मैं गाजरों में नहीं डालती ना, ठीक है। तो आज की जो भी रेसिपी में हम लोग लहसुन का पेस्ट है वो शामिल नहीं कर रहे, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर मसाला भूना है इसका। इसे मैं 2 मिनट भूनती हूँ ना, फिर गाजरें डाल देती हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट भुनाई के बाद हम लोगों ने गाजरें पहले शामिल करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में और कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोगों ने पहले गाजरें डाल दी, तो इसको हम लोग पकने के लिए रखेंगे, बाद में पकी चीज़ें डालेंगे। नहीं, ये थोड़ी सी पक जाए ना, नरम हो जाए, तो फिर मैं इसमें ना मटर डालूंगी, फिर 2-3 मिनट मटर मतलब पक जाए वो, तो फिर उसके बाद ना आलू डाल के ना फिर तीनों चीज़ें पकाएंगे, ये नरम भी हो जाएंगी ना, ठीक है। गाजरें तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा लग रही है देखने में और कलर माशाल्लाह। सबसे अच्छी जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो है इसका कलर, कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। 2 मिनट इसे भूनते हैं ना, तो फिर पानी थोड़ा सा मैं डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये मैं ना पकने के लिए रख देती हूँ ला के, ये देखें अब ये गाजरें थोड़ी सी ना पक जाए हमारी, फिर मैं मटर डालती हूँ इसमें। चले, हाँ जी, ये देखिए पकने लग गई ना, पक रही है, ये मैंने मटर डाल दिया, ठीक है। तो ये देख ले व्यूअर्स, पहले हम लोगों ने गाजरों को पकाया है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो मटर शामिल कर दिए। अब इन दो चीज़ों को हम लोग पकने के लिए दोबारा रख देंगे, 5 मिनट ये रखते हैं ना, फिर मैं आलू डालती हूँ। व्यूअर्स, देखते हैं कि जो सी हमारी गाजरे और मटर हम लोगों ने रखे थे पकने के लिए वो किस हद तक तैयार हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और अब मम्मा, हम इसके अंदर क्या आलू शामिल करेंगे? हाँ जी, ठीक है। तो मतलब हाफ कुक हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर तो ये तैयार नहीं हुई दोनों चीज़ें, तो इसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं और उसके बाद फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे दोबारा। हाँ जी, ये पकेंगे फिर, ठीक है। धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सी मतलब ये रेसिपी है सब्जियाँ तैयार करने की। आज हम आपको 3 तरह की सब्जियाँ बनाना सिखा रहे हैं, आलू, मटर, गाजर हम आपको सिखा रहे हैं। तो मेरे कहते व्यूअर्स कि आप लोग हमारी आज की जो सी रेसिपी है वो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल के बिना सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, जब हम लोगों के अंदर आलू भी शामिल कर दिया, अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग दोबारा 10-15 मिनट पकने के लिए रख देते हैं और आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो आप लोगों ने यही नहीं करना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है।
जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर आलू और मटर भी डाल दिए थे तो वो भी तैयार हो गए हैं। अब लास्ट में हम लोगों ने इसको धनिए के साथ, अच्छा हम लोग इसको गरम मसाला नहीं डालेंगे, मीठी मीठी सी होती हैं थोड़ी सी, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि मज़ेदार सी जोन सी आपको गाजर आलू मटर की ज़्यादा डाली ना, वो मीठी मीठी होती है ना तो फिर वो ज़्यादा मतलब अच्छी करा। ये देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें घी भी आ गया इसके ऊपर, ये देखें और खुशबू भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बस अब ये भून लेते हैं ना और इसे तो अच्छी तरह घी आ जाए इसके ऊपर, तो झटपट ही बन गई, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। साबुत मिर्ची रह गई एक, चले कोई बात, इसको हम फिर जब डिश आउट करेंगे तो ऊपर निकाल के रख देंगे। एक साबुत रह गई, वो काटना भूल गई होगी ना मैं। अच्छा तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और भूनना, उसके बस को डिश आउट कर देना, हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। ये खुश्क हो जाए माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, तो बहुत मज़े की बनती हैं। इसकी दादी तो बहुत शकीन थी, वो गाजर गोश ये बहुत बनाती थी। तो मतलब आपने ये मेरी दादी में से सीखी है रेसिपी? नहीं नहीं वो तो मुझे पता है ये पकती है, मतलब वो ज़्यादा मतलब पसंद करती थी ना गाजरें। अच्छा अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो ठीक है व्यूअर, इसको भूनते फिर आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो मज़ेदार से हमारी आज गाजर आलू मटर की रेसिपी वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर आज हमारी जो सी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका फाइनल लुक, घी भी आ गया, ये देखें जी ये है इसका फाइनल लुक। तो आप इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारी गाजर आलू मटर की रेसिपी है वो तैयार होगी। और उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये अब हम लोगों ने इसको डिश आउट कर दिया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और वैसे भी यूजुअली मतलब सब्जियां वगैरह हम लोग अब सर्दियों में बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा इस तरह, वैसे भी सीज़न की है तो गाजर रेसिपी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और बिनाई के लिए बहुत मुफीद है। हम लोग गाजर को वैसे भी खा सकते हैं और अब सर्दियों में तो वैसे भी मतलब गजरेला गाजर का हलवा गाजर का काफ़ी इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।